तो अल्लाह ताला ने फरमाया है इस सूरत का आगाज़ करते हैं आगाज़ करने से पहले इस सूरत का नाम कुछ लोगों ने सूरत गना भी रखा हुआ है कि यह सूरत जो है वो गना और मालदार करने वाली सूरत है और इसके बारे में हदीस बयान की जाती है कि जो लोग इसको यानी मगरब की नमाज के बाद पढ़ते रहें उन्हें कभी फाका नहीं होता याद रख लें कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ऐसी सही रिवायत मौजूद नहीं है जो इसकी कोई इस तरह की फजीलत बयान करती हो कि सूरत वाक़ पढ़ने से फ़ाका दूर होता है उनसे मोहताजगी नहीं होती है उनसे ज़रूरतें पूरी हो जाती हैं और इसके बारे में जो हज़रत जा रजी अल्लाह तु की तरफ एक रिवायत मनसूख की जाती है कि उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बेटियों को सूरत वाक़ा याद करा दी है लिहाजा उन्हें कोई फिक्र नहीं उनकी माश के बारे में कहाँ खाएंगे क्या नहीं करेंगे क्योंकि वह वाक़ा पढ़ते हैं तो याद रख लें कि ऐसा वाक़ सही अदी के अंदर मौजूद नहीं है लिहाजा ये सूरत है वाक़ बाकी सूरतों की तरह एक सूरत है इसका इंसान यानी अपनी रोज़ी और रिजक के लिए पढ़ने का अलग से हदीस से कोई दलील नहीं है इसको भी आम सूरतों की तरह पढ़ने पे एक एक हरप पे दस दस नेकियां मिल रही हैं और इसके पे अमल करने पे, जैसे बाकी कुरान मजीद के बात और मफहोम पे ईमान लाने पे और अमल करने पे अजर है वैसे ही इसमें है अलग से इसकी कोई फ़जीलत अल्लाह के नबी वसल्लम से साबित नहीं है